तुम्हारी रघुपति भक्ति निरंतर बढ़ती रहे बस। हमारे अस्त्र को आपने अपने मुख में स्थान दे दिया। ये मित्रता कब हुई प्रिय हनुमान? इनसे वाद विवाद करने में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती प्रभु, इसलिए मैंने सोचा अपने मुख में ही स्थान दे दूं। अंजनी नंदन, मेरे समीप इतनी स्त्रियां देखकर भी तुम्हें विस्मय हो रहा होगा। हो तो रहा है प्रभु, कौन है ये माताएं? तुम्हें स्मरण होगा कपिवर, त्रेता युग में अनुजों और सेना सहित मैंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। तब से अब तक लाखों वर्षों से तुम निरंतर मेरे नाम का जाप कर रहे हो और कदाचित तुम्हें भी बोध है वत्स कि वर्तमान द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में इस पृथ्वी पर फिर से अवतार ले चुका हूं। और कदाचित तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि इस अवतार में
मैं 16 सहस्र 108 रानियों का स्वामी हूं। यहां उपस्थित ये सारी स्त्रियां मेरी विवाहिता हैं। तुम तो सदैव मेरे हृदय में वास करते हो प्रियवर, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मैं समदर्शी हूं, सबके साथ समान भाव रखता हूं। केवल तुम जैसे भक्तों पर मेरी विशेष कृपा रहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं हनुमान, मांगो वर मांगो। नाथ, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मेरे हृदय में सदैव बसने वाले सीतापति, धनुष बाणी प्रभु श्री राम के रूप में मुझे पूर्ण दर्शन दीजिए। प्रिय मुझे कोई नहीं हनुमान, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। देखो हनुमान, अगले कल्प में तुम्हें ब्रह्मा जी का दायित्व धारण करके इस सृष्टि की रचना करनी होगी। करोगे ना? जैसी प्रभु की आज्ञा। सुनो मित्र सुदर्शन, अभी यहाँ पर परमवीर हनुमान आने वाले हैं, सावधान रहना, भूलकर भी उनसे लजना मत, नहीं तो। शिराज, वो तो आकर चले भी गए। आकर चले गए? बल ही नहीं, गति में भी वो मुझसे बढ़कर हैं। और मारक क्षमता में मुझसे भी बढ़कर। मित्र वैंते, मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैंने व्यर्थ ही आपके आगे अहंकार किया। नहीं नहीं अस्तर शिरोमणि, भूल मेरी थी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए।
मैं सब समझ गई नाथ। क्या समझ गई प्रिय? यही कि आपने ये सारी लीला मेरा गर्व भंग करने के लिए खेली। रानी सत्यभामा, आपके साथ अस्त्र शिरोमणि सुदर्शन का भी गर्व भंग हो गया है और पक्षीराज गरुड़ का भी। मुझे अपने रूप का अभिमान हो गया था स्वामी। मैं ये भी भूल बैठी कि आप कभी किसी पर आसक्त नहीं होते, मात्र लीला करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं रहता। अहम के जाते ही भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। भक्त स्वयं भगवत रूप हो जाता है। ये है प्रेम की शक्ति। जानती हो सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? कौन नाथ? पवन पुत्र हनुमान। स्वामी, आपने महाबली हनुमान से यह क्यों कहा कि मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा? भक्त तो भगवान के जन्म जन्मांतर से ऋणी थे और सदैव रहेंगे, परंतु भगवान भक्त का ऋणी हो, यह तो महान आश्चर्य का विषय है। कारण ही कुछ ऐसा है कि मैं ऋणी और सदैव रहूंगा। तो बताइए ना प्रभु। बताऊं? जी बताइए। तो सुनो, वीर हनुमान ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आपके प्राणों की रक्षा? मेरी ही नहीं, शेषा अवतार लक्ष्मण की और 64 करोड़ वानरों की भी जीवन रक्षा की थी। ये लंका युद्ध की बात, हमारी सेना के अद्भुत पराक्रम से राक्षस सेना त्राही त्राही करने लगी तो रावण ने अपने मायावी पुत्र मेघनाथ को युद्ध भूमि में भेजा। ये मेघनाथ बड़ा ही कुशल योद्धा था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हमारी संपूर्ण सेना को मरणासन कर दिया। मैं अर्थात दशरथ नंदन राम, शेषावतार लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव सहित सारे योद्धा सबके सब मूर्छित होकर मृत्यु के मुख में जाने लगे। तब बुद्धिमान जामवान ने संकट मोचन हनुमान को बुलाया। तात, आप ठीक तो हैं? हनुमान,
संपूर्ण सेना की दशा देखो पुत्र, सबके प्राण मंद हो रहे हैं। हाँ तात, सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही ये सभी सैनिकों के प्राण पखेरु हो जाएंगे। अब केवल तुम ही हम सब की प्राण रक्षा कर सकते हो हनुमान, किसी दूसरे में ये योग्यता नहीं है। श्री राम भी इस घड़ी में तुम्हारे पराक्रम के आश्रय हैं। और मेरा पराक्रम मेरे प्रभु श्री राम के आश्रय। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हें बहुत दूर हिमालय जाना होगा और ब्रह्मास्त्र के उपचार के लिए औषधियां लानी होंगी पुत्र। हिमालय? हिमालय तो यहाँ से सहस्रों योजन की दूरी पर है। चकित न हो राक्षस राज, विलक्षण हनुमान पवन पुत्र और पूरी तरह सक्षम, उनके लिए ना तो कोई कार्य दुष्कर और ना ही कोई स्थान दुर्गम। आप औषधियां बताइए तात। उनके नाम ध्यान से सुनो पुत्र, मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संघानी। ये हिमालय पर कहाँ प्राप्त होंगी तात? ऋषभ नामक सुवर्णमय शिखर और शंकर जी के निवास कैलाश के बीच द्रोण नामक एक पर्वत है पुत्र, जो अपने प्रकाश से अलग ही दिखाई देता है। उसी पर्वत पर ये चारों औषधियां मिलेंगी, जो अपनी विशेष आभा से चमकती रहती। मुझे आज्ञा दीजिए तात। सफल होकर लौटो पुत्र। ध्यान रहे, सूर्योदय के पूर्व ही। मैं अभी औषधियां लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। सूर्योदय के पूर्व द्रोण पर्वत से औषधियां लाना अति दुष्कर ही नहीं असंभव। वानर सेना के सारे योद्धा तो मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से आहत होकर मरणासन पड़े हुए हैं। ये अति दुष्कर कार करेगा, कौन करेगा? इस असंभव कार्य को करने का संकल्प हनुमान ने ले लिया है। किसने? उसी हनुमान ने जिसने हमारी सुनहरी लंका को अपनी पूंछ से जलाकर काला कर दिया है। और ध्वजा विराजे, काले मोंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण